जैसा कि दोस्तों पावर ऑफ सेटअप्स ये हमारा प्रोफेशनल चैनल है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आज हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स में 39,300 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 160 के लेवल पर, एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 447 तक के ईजिली टारगेट्स देखने को मिले। मीन्स आपको यहाँ पर 250% से के आसपास आपको टारगेट्स देखने को मिले हैं। एंड वहीं पर दोस्तों हमने अपने मेंबर्स को 17,550 का पुट बाय करने के लिए दिया था, जो कि 45 के लेवल पर, एंड आप देखेंगे तो आपको 105 तक के ईजिली टारगेट्स देखने को मिले। दोस्तों आपको यहां पे भी 150% के आसपास ईजिली आपको टारगेट्स देखने को मिले। अगर दोस्तों आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अभी डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्यासागर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है एंड हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम ग्लोबल मार्केट की तरफ देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमें किस तरह के मोमेंटम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, तो डाउ जोन्स में अभी हमें 130 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, एंड वहीं पर अगर हम नैस्डैक की बात करें, तो नैस्डैक में आपको 80 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर हमें नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमारे इंडियन मार्केट में हमें किस तरह के मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, तो आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको शार्प एक रिकवरी देखने को मिली है। जो कल का मार्केट का हाई था, मार्केट ऑलमोस्ट उसी हाई के आसपास गया, एंड आपको वहीं से एक सेलिंग देखने को मिली है। 39,000 का जो लेवल है वो मार्केट ने अभी भी होल्ड किया हुआ है, तो मीन्स कहीं ना कहीं जब तक ये 39,000 का लेवल अभी सस्टेन है, तो हमें यहाँ पे मार्केट में कोई घबराने वाली वो कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अभी मार्केट ने एक रेंज को बना दिया कि 39,700 के आसपास एंड 39,000 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज को बनाया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ईजी पैटर्न यही होता है कि जब भी एक रेंज बनती है एंड रेंज का जब भी ब्रेकआउट होता है, तो फिर हमें बहुत अच्छा टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे 39,400 के आसपास फ्लैट ओपन होता है, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों जब तक कि मार्केट 39,550 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करनी है। जैसे ही 39,550 का लेवल क्रॉस होगा, तो फिर आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 39,700, एंड आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अभी मार्केट दो बार टच कर चुका है, एंड इसी लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर बेटर ये होगा कि अगर मार्केट 39,700 के ऊपर ब्रेकआउट दे जाता है, तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे 39,800 एंड फिर आपको 39,900 तक के इजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे 39,500 के आसपास या फिर 600 के आसपास गैप अप ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है इमीडिएटली। जब तक नहीं बाय करना है, जब तक कि मार्केट 39,700 के ऊपर एक कैंडल सस्टेन नहीं बनाता है, मीन्स कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट इस रेंज के ऊपर बननी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे कन्फर्मेशन एक बाइंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजिशन को नहीं बनाएंगे, एंड आपको जो टारगेट जो देखने को मिलेगा 39,800 एंड फिर आपको 39,950 तक के इजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 40,000 का राउंड लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आप जब भी यहाँ पे आपकी पोजीशंस पहुँचे, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर लेना है, या फिर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 39,200 के आसपास, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको अभी सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब तक कि मार्केट यहाँ पे 39,000 का लेवल कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना के नहीं निकलता है, जैसे ही 39,000 का लेवल क्रॉस होगा डाउन साइड की तरफ, तो फिर दोस्तों आपको 38,900 एंड फिर आपको 38,800 तक के ईजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आप आज देखेंगे तो 38,800 के आसपास से आपको एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं दोस्तों, जब तक इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ पर एक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर ये 38,800 के नीचे ट्रैवल करने लगता है, तो दैट्स मीन दोस्तों यहाँ पर जो बायर्स थे उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, एंड यहाँ पर फिर आपको एक शार्प डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी, जो कि आपको 38,600 तक के फिर इजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरह का मोमेंटम्स देखने को मिल रहा है।
अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे 17,550 के आसपास फ्लैट ओपन होता है एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे 17,600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा 17,680 एंड फिर आपको 17,660 तक के ईजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर आपको एक बहुत अच्छी अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो फिर उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 17,880 एंड फिर आपको 217,950 तक के इजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है एंड यहाँ पे 17,650 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो आपको दोस्तों इमिडिएटली बाइंग नहीं करना है जब तक कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है। मींस मार्केट जब तक 17,680 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशंस को नहीं बनाना है। जैसे ही 17,680 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर दोस्तों आप बाय कर सकते हैं एंड आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 17,770 के आसपास आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा एंड फिर दोस्तों आपको उसके 17,880 एंड फिर आपको 17,960 तक के इजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक 18,000 का राउंड लेवल है, अगर आपकी पोजीशंस यहाँ तक पहुँचती है तो दोस्तों आप अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 17,500 के आसपास तो आपको क्या करना है, जैसे ही दोस्तों मार्केट यहाँ पे 17,460 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक सेलिंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है एंड आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा 17,400 एंड फिर आपको यहाँ पे 17,320 तक के ईजिली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।